कांग्रेस की महिला सेल के नेतृत्व में आज बढ़ती महंगाई के खिलाफ विशेष रूप से जो रसोई गैस के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार उसकी सब्सिडी खत्म कर दी गई है, पेट्रोल और डीजल रोजाना बढ़ रहे हैं। आज जबकि हम और आप यहाँ पर खड़े हैं, धूप में प्रदर्शन कर रहे हैं, आज भी 52 पैसे लीटर पेट्रोल का रेट बढ़ाकर लोगों की जेब पे डाका डालने का काम किया। लगातार देश की सरकार महंगाई बढ़ाती जा रही है। डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ने से न केवल डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं, बल्कि जो भी सामान हम बाजार से खरीदने के लिए जाते हैं, चाहे वो करियाने का सामान हो, चाहे लोहे का सामान हो, सीमेंट का सामान हो, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ जाता है। यही कारण है कि आज लगातार महंगाई बढ़ रही है। और आज कांग्रेस पार्टी की महिला सेल की तरफ से ये आयोजन किया गया महंगाई के खिलाफ। आज देश के प्रधानमंत्री का पुतला फूंका जाएगा, उनसे कहा जाएगा कि आप महंगाई कम करें। एक तो कोरोना की मार है, कोरोना की मार में लोगों के रोजगार चले गए, युवा बेरोजगार हो गए, गरीब आदमी कोई ऑटो वाला है, रेडी वाला है, रिक्शा वाला है, उनका काम बंद हो गया। चाहिए तो ये था कि सरकार उनके खातों में 6-6 हजार रूपए महीना डालती ताकि वो अपने घर का खर्चा चला सकते, परंतु सरकार उनकी बजाय उनकी जेब से पैसे निकालने का काम कर रही है। इसलिए आज हम सभी कांग्रेस जन यहाँ पर इकट्ठा होकर इस विरोध कर रहे हैं और सरकार से मांग करते हैं कि वो तुरंत बढ़ी हुई तेल की कीमतें कम करे और रसोई गैस पे जो सब्सिडी पहले चलती थी उसी प्रकार से देने का काम। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के निर्देश पर पूरे देश के जिला हेडक्वार्टरों में महिला सेल के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन किया गया। आज पूरे देश में चाहे वो डीजल के रेट है, चाहे पेट्रोल के रेट है, चाहे गैस के रेट है, या और अन्य जरूरियात की चीजें हैं, चाहे वो किराने का सामान है, चाहे सीमेंट है, चाहे सरिया है, चाहे ईंट है, दुगने और पिछले 3 महीने में हर चीज के दुगने रेट इस प्रदेश की देश की सरकार ने बढ़ाने का काम किया। आज आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया। एक तरफ कोरोना जैसी महामारी, दूसरी तरफ ये महंगाई, इससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त होकर रह गया। उसके विरोध में ये प्रदर्शन किया गया। आज महिलाओं ने थाली लेकर थाली बजाने का काम किया, गैस सिलेंडर सिर पर रखकर गैस के रेट कम करने के लिए प्रदर्शन करने का काम किया। और हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मांग करते हैं कि इस कोरोना जैसी महामारी से पहले इस देश की जनता बड़ी भारी तंग और परेशान है, दूसरी तरफ महंगाई की मार, इस महंगाई को कम करके डीजल और पेट्रोल पे वैट कम करके और गैस के रेट कम करके जनता को राहत देने का काम करें। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।